हर कालखंड में कोई ना कोई क्षेत्र विदेशी दासता के खिलाफ खड़ा होकर के लड़ता था। कहीं महाराणा प्रताप के नाम पर, कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, कहीं गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। यह लड़ाई मध्यकाल में भी लड़ी जाती रही, लेकिन अलग अलग थी। अलग अलग क्षेत्रों में वे नेतृत्व करते हुए विधर्मियों के खिलाफ, विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ और विदेशी दासता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लड़ते रहे। लेकिन सामूहिक रूप से देश एकजुट होकर के लड़ सके, 1857 की वह तिथि एक महत्वपूर्ण तिथि बनी थी और हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की धरती भी उत्तर प्रदेश बनी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस लड़ाई को प्रारंभ करने के लिए जो अभियान प्रारंभ हुआ, वह प्रदेश के अलग अलग भागों में अनेक स्थानों पर ऐसे नायक खड़े हुए जिन्होंने विदेशी दासता की जंजीरों को तोड़ते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। उसी क्रम में जून 1857 से लेकर के नवंबर 1858 तक आपका ये रायबरेली और आसपास का पूरा क्षेत्र अगर अंग्रेजों की दासता से मुक्त होकर के स्वाधीनता का अनुभव किया था तो उसका श्रेय अगर जाता है तो वह है राणा देवी माधव भक्त सिंह जी, जिनके नेतृत्व में उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को स्वाधीन घोषित किया। वे लड़ते रहे अलग अलग स्थानों पर, कभी रायबरेली में, कभी अमेठी में, कभी अयोध्या में, कभी कई अन्य स्थानों पर। उनकी लड़ाई निरंतर चलती रही और इस लड़ाई को जो प्रारंभ 1857 में प्रारंभ किया गया था, उसका परिणाम था कि देश जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि इनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, इस भारत को उन अंग्रेजों के सूर्य अस्त को करने में 100 वर्ष से कम समय लगा। मात्र 90 वर्ष में हम अपने देश को सदैव के लिए स्वतंत्र कराने में, स्वाधीन कराने में सफल हुए। और आज हम इस स्वतंत्रता का अनुभव इस रूप में कर सकते हैं। लेकिन ये स्वतंत्र होना जिन महापुरुषों ने, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव, उनके प्रति सम्मान का भाव, यह हमारी वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह हम सबका दायित्व है कि हम उस भाव से उत्प्रोत हों और अपने उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति विभिन्न अवसरों पर सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए आने वाली पीढ़ी को इन आयोजनों को एक प्रेरणादायी पर्व के रूप में लेकर के एक संकल्प के रूप में हम आगे बढ़े। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन जो आजादी हमें मिली, इस आजादी को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए भी तो हमारे कुछ दायित्व है। लोग कहते हैं देश 1900, कुछ लोगों की मान्यता है कि 1947 के बाद भारत बना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के नायक, उन्हें 1929 में गोरखपुर जेल में फांसी की सजा हुई। हमारी सरकार ने गोरखपुर जेल में, मैं स्वयं गया था, और सरकार बनने के बाद गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का एक भव्य स्मारक बने, हमने इस पर कार्य वहां प्रारंभ किया। और मैंने वहां पर इस बात को देखा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से
जब उन्हें फांसी की सजा हो रही थी तो उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी अंतिम इच्छा क्या है। होती है, सब लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती है।